Congratulate for all the FOD achievers under the Six Line qualifiers. A big round of applause for him. Recently, मैं मलेशिया में था for Crown Ambassador Summit के लिए. Okay, we had a beautiful program. The first time DXM दुनिया में ऐसे हुआ, सारी Crown Ambassador को एक जगह में बुलाया गया था. और वहां पे वी और सारी क्राउन एम्बेसडर दे शेयर द सक्सेस स्टोरी. वहां पे सीएमओ थे, सीईओ थे, चेयरमैन थे, एवरीबडी दे शेयर. वहां जाने का बाद जो डीएक्सएन का जो ताकत है, पहले हम सोचते थे टीएसए जाने का बाद डीएक्सएन का ताकत पता चलता था, बट उससे हजार गुना ज्यादा ताकत वहां पता चला जब हम डीएक्सएन का साइबर विल में गए थे. डीएक्सएन का नया हेडक्वार्टर्स, यू शुड सी, इट्स लाइक एन एयरपोर्ट से कम नहीं है. एयरपोर्ट जैसा इतना बड़ा है, एक जगह से लेकर ये किनारे से लेकर और एक किनारा एक किलोमीटर. देन यू कैन इमेजिन, या जब हम रूम से हॉल तक जाते थे तो वहां पे जाके जितना भी हम पे खाते थे वो खाली हो जाता. इतना बड़ा प्रॉपर्टी था. सो दैट वन डीएक्सएन साइबर विल विथ ब्यूटिफुल गैलरी. डीएक्सएन का जो गैलरी है वहां पे जो हमने एक्सपीरियंस किया, डेफिनेटली वहां पे बहुत शानदार हॉल्स है जहां पे आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं. ओके, ब्यूटिफुल हॉल वहां पे है और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का साथ हॉल रहता है. उससे ज्यादा वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डीएक्सएन एक्सपीरियंस सेंटर. वहां पे जो डीएक्सएन का जो गैलरी है वो देखने का लायक. यू शुड गो एंड सी दैट गैलरी. जब गैलरी का अंदर हम घुसे, सो फर्स्ट दे शो डीएक्सएन का जो हिस्ट्री है, एवरीथिंग इज डिजिटल. वन वहां पे जाने का साथ ही साथ एक बुक था हमारा सामने. यू नो दे केप्ट अ बिग बुक. इट इज नॉट अ नॉर्मल बुक नहीं है, इट्स अ डिजिटल बुक. वहां पे पेज पलटने के लिए सिर्फ हाथ ऐसा हलाना है, पेज पलटता है. यू नो यू टर्न द पेज, यू जस्ट आप हाथ हलाओ, पेज पलटता है, स्क्रीन में दिखता है डीएक्सएन कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, एवरीथिंग वॉज देयर. देन आफ्टर दैट वन देन वी एंटर द अनदर गैलरी. वहां पे जाने के बाद वी हैव सीन ज्ञानोडर्मा गैलरी और स्पाइरुलिना गैलरी. हर एक डीएक्सएन प्रोडक्ट का गैलरी वहां पे शानदार से शोकेस था. देन और वहां से एग्जिट होकर वी वेंट टू ए मिनी सिनेमा थिएटर. वहां पे एक छोटा सा एक सिनेमा थिएटर है. स्क्रीन वो 70 mm का स्क्रीन नहीं था, वो स्क्रीन पता नहीं कितना mm का है. ओके, सो इट्स अ कर्व स्क्रीन, यू नो इट्स अ कर्व स्क्रीन. जब हम भी हम बैठते हैं हमको ऐसा देखना पड़ता है क्या हो रहा है. Yeah. एक नजर से वी कैन नॉट सी, इट्स ए फुल कर्व सीन. वहां पे पहले वी हैव सीन डॉक्टर लिम का जो जर्नी था वो कैसे शुरू कर रहे थे. इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्टोरी जहां वहां पे नरेट हुआ था डॉक्टर लिम का पूरा लाइफ स्टोरी, जहां जीरो से कैसे डॉक्टर लिम हीरो बने थे. ये पूरा डीएक्सएन का पूरा लाइफ स्टोरी, उनका लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस था, वो चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया, एवरीथिंग दे हैव शोन देयर. सो दिस इज वॉट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस. अभी 30th एनिवर्सरी हम जाने वाले हैं. ओके, ऑल द टीएसआई क्वालिफायर्स एंड द कॉन्टेस्ट क्वालिफायर्स. सो डेफिनेटली जो हमारा जो प्रोग्राम है वही वहां पे ही हो रहा है, साइबर विल में ही हो रहा है. यू कैन सी द रियल स्ट्रेंथ ऑफ डीएक्सएन. और वहां पे वी हैव 150 रूम्स. अभी शुरू हुआ है, वेन वी एंटर वी आर द फर्स्ट गेस्ट. वो रूम्स हम जाने से एक हफ्ता पहले उनको लाइसेंस मिला था वहां पे ठहरने के लिए. वी ऑल आर द फर्स्ट गेस्ट फॉर द रूम. 150 रूम्स, अराउंड 530 पीपल कैन स्टे एट ए टाइम. सम पीपल जो अरब का लोग थे, यूरोप का लोग थे, डॉक्टर लिम के पास गए, डॉक्टर लिम ये जो रूम है ना, ये रूम मेरे नाम में लिख दो, जितना बोलो अब ले लो. दे वॉन्ट टू बाई द रूम, यू नो they want to buy the room because they want to settle in. जब मैं मलेशिया आता हूं, I will not stay anywhere. मुझे यही रूम चाहिए, जहां पे ठहरे थे वही रूम चाहिए. डॉक्टर ने बोला नहीं, ये जो रूम है ये मैं बेच नहीं सकता क्योंकि ये रूम आपका ही है. जो आपका है मैं वो कैसे बेच. बिकॉज डॉक्टर लिम को इतने साइबर विल आप जो देख रहे हो,
दिस इज फॉर यू, ये मेरा नहीं है, डॉक्टर लिम का नहीं है, डीएक्सन का नहीं है। डीएक्सन के सारे क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों का प्रॉपर्टी है दैट वन। सो इफ यू कैन गो यू कैन सी द ब्यूटी वहां पे। और ऊपर गए थे, वी हैव सीन द हेलीपैड, हेलीकॉप्टर बाहर गया था इसीलिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला, बट वहां पे आपको हेलीपैड मिला, वी हैव सीन द हेलीपैड। और इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का अंदर ऊपर से देखेंगे डीएक्सन लिखा हुआ मिलेगा आपको वहां पे। ओके, इट्स एक जगह से एक जगह जाने के लिए वो बंजी गाड़ी रहता ना, छोटे छोटे गाड़ी वो रहता था, सो यू हैव टेकन एंड ऑल द क्राउन एम्बेसडर का शूटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, क्या क्या नहीं किए, जितना नखरा लोगों ने किया वो मैंने देखा। सो इट्स टोटली फन, ओके, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, वन वर्ल्ड वन फैमिली था। प्रवीण जी ने वो बोलिविया का क्राउन एम्बेसडर का क्या बात करना था, उनको इंग्लिश नहीं आता था, इनको बोलिवियन लैंग्वेज नहीं आता था, बात चलता है मैंने क्या बात हो रहा है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, ये भी वो क्राउन एम्बेसडर बहुत सुंदर थी इसीलिए बात हो रहा, बट कुछ हो रहा था ये मुझे समझ में आता हुआ कुछ ब्यूटीफुल ना, आप मैंने भरोसा है पूरा। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पेस, यू हैव टू सी क्राउन एम्बेसडर जो समिट है, और भी होने वाला है। ओके, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट इज द स्टार्टिंग, मे बी हर साल होगा या पता नहीं, बट हर 3 साल में एक बार वहां पे हो सकता है, बिकॉज आपका लक्ष्य है क्राउन एम्बेसडर बनना। ओके, सो यू हैव टू बिकम क्राउन एम्बेसडर, बिकॉज क्राउन एम्बेसडर को जितना पैसा मिलता है वो वहां पे माने नहीं रखता है, जो रियलिटी वहां पे देखे थे उन लोग। ओके, फोटो लेने के लिए एक फोटो बूथ था, यू कैन सी फोटो बूथ वहां पे कितना था, इट्स अ ब्यूटिफुल रेड कार्पेट और फूड एंड एवरीथिंग वॉज देयर। ओके, सो इट इज द एंड और एक खास चीज भी है, वहां बच्चे लोग भी ले सकते हैं, आज मुझे पता चला। सो इन फ्यूचर डीएक्सएन का क्राउन एम्बेसडर आप बच्चे लोग को भी वहां पे लेकर जा सकते हैं एंड यू कैन स्टे देयर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। और वो वहां पे डीएक्सएन का जो रियल स्ट्रेंथ है, अभी डीएक्सएन पढ़ा पर्सनली जा सकते, पर्सनली ऑल्सो यू कैन गो। ओके, अभी वहां पे जाने के बाद वी हैव अंडरस्टूड डीएक्सएन का जो स्ट्रेंथ था, आवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर हेचसी थियो सर ने वहां पे एक प्रेजेंटेशन दिया था। ओके, सो वो प्रेजेंटेशन का साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। ओके, द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ डीएक्सएन, ये जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डीएक्सएन का हकीकत है, ये डीएक्सएन का स्ट्रेंथ है, ये ऐसा नहीं है, ये नंबर जो है ये डीएक्सएन ने लिखा है, ऐसा नहीं है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब डीएक्सएन आईपीओ में गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में गया, वहां पे सबमिट करना है, और ये तैयार किया था इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने, जो डीएक्सएन का साथ कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने तैयार किया था ये फैक्ट्स एंड फिगर्स। देन यू कैन सी द रियलिटी ऑफ डीएक्सएन और कंपैरिटी ऑफ डीएक्सएन, डीएक्सएन का साथ जब कंपेयर करेंगे विथ एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसका ताकत क्या है। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द एक्सपेंसिव नेटवर्क विथ 79 सेल ब्रांचेस। ओके, डीएक्सएन का 79 सेल्स ब्रांचेस है, 12 एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो हम सुपर स्टॉकिस बोलते हैं, जैसा नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, जो सुपर स्टॉकिस एंड 14 मिलियन मेंबर, ये 2023 का था, अभी आज तक में अगर हम देखेंगे वी हैव 16 मिलियन मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 16 मिलियन का मतलब 1.6 करोड़, 1.6 करोड़, एंड वी हैव 3.6 मिलियन एक्टिव मेंबर्स एंड 16.5% growth rate of registered members. And you see the beautiful figure here. It is a comparative study with all the direct selling. जो दुनिया का top direct selling companies है, वो direct selling companies का top companies. DXL भी है, Amway भी है, Herbal FA, New Skin है, Oriflame है, Usana है,
ओके. व्हेन यू सी दिस वन, ये जो पहला चीज यहां पे कंपेयर गया था द मेंबरशिप फीस. डीएक्सएल इज द कंपनी विच डजंट टेक एनी मेंबरशिप फीस. दुनिया में बड़े बड़े कंपनी लेता है विच टेक द मेंबरशिप फीस. अगर टोटल मेंबर 2020 में देखो डीएक्सएल का कितना है, 10.6 मिलियन, मतलब 1 करोड़. ओके. और एमवे का कितना था, 10 to 20 मिलियन एवरेज फिगर था. ओके. सो हर्बालाइफ का 6.2 मिलियन, ओरिफ्लेम का 2.9 मिलियन, और इसका डेटा नहीं मिला. इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आपको देखना है, इफ यू कम टू 2022, ये जो दो साल में डीएक्सएल हैज ग्रोन फ्रॉम 10 मिलियन to 14 मिलियन. ओहो. बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जहां पे थे वहां पे ही है. बिकॉज ये जो टाइम था बहुत क्रूशियल टाइम था हिस्ट्री का. बिकॉज ये टाइम था कोरोना का टाइम, पैंडेमिक का टाइम. जो पैंडेमिक का टाइम में दुनिया रुक गया, वहां पे डीएक्सएल ग्रो हुआ 40%. स्ट्रेंथ 4.4 एक्टिव मेंबर्स. और यहां पे देखिए सारी कंपनी का साथ नो 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 है, ये की कंपनी डीएक्सएल का साथ यस है. यस लगा किसके लिए, किसके लिए यस है बताओ? यूनिफाइड कॉम्पनसेशन मॉडल एंड बोनस स्ट्रक्चर, जो हम बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट. दूसरा कोई कंपनी का साथ नहीं है. इट इज ओनली विद डीएक्सएल. Then you can understand the strength of DXL from this slides. Registered and active members. यहां पे देखो हर साल DXL is growing more than almost 30%. इसका growth register हुआ कितना? हर साल DXL is growing 30% all over the world. DXL का और एक ताकत है, we call one dragon concept. डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मकसद क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मकसद क्या है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करता है, क्या करता है? डायरेक्ट क्या करता है? प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, बेचता है. ओके. सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स. दुनिया में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये काम करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल. प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलर का बेचता है. बट इसमें बहुत कम कंपनी है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स नहीं करता है, इसका साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करता है. ऐसी कंपनी दुनिया में बहुत बहुत कम है. दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का साथ क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है. और दुनिया में बहुत कम चुनिंदा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का साथ कल्टीवेशन भी करता है. और डीएक्सएल ये की कंपनी है कल्टीवेशन के साथ आरएनडी भी करता है. जितने भी कंपनी हमारा साथ आता है, व्हेन यू सी दिस वन, 90% ऑफ द कंपनी याम पे सिमट जाता है. 98% ऑफ द कंपनी याम पे सिमट जाता है. 99.99% ऑफ द कंपनी यहां पे सिमट जाता है. ये कंपनी आउटस्टैंडिंग रहता है, दैट इज डीएक्सएल. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू सी वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ मार्केट्स 2020 में कैसा बढ़ा, आरएनडी फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग. और ये जगह देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इंडिकेटिव परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन हाउस, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है शायद उनका पास, सारी कंपनी का पास, अच्छे अच्छे कंपनी का पास जो टॉप में है उनका पास फैक्ट्री भी होता है और वो ईएम दूसरे कंपनी से भी प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम एमवे का देखेंगे 35-55% खुद बनाता है, बाकी 45% बाहर से लेता है। और हर्बालाइफ का हम देखेंगे 51% खुद बनाता है और 49% बाहर से लेता है। और ये न्यू स्किन का अगर हम देखेंगे 23% खुद बनाता है और बाहर से लेता है। और 70 प्रोडक्ट्स यहां पे हम देखेंगे 70 प्रोडक्ट खुद बनाता है और बाकी बाहर लेता है। और डीएक्सएल एक ही कंपनी है द टॉप में है, 91 प्रोडक्ट खुद ही बनाता है। Then you can understand the strength of the company. ये जो DXL integrated facilities है, current on the pipeline, कहां कहां है, कैसे कैसे है, you can see, it's a detailed information given here. और global sales, अगर global sales में हम देखेंगे, DXL is the only company which has grown double digit during that pandemic time. Okay? यहां पे देखिए टॉप मार्केट्स बाय सेल्स, ये टॉप मार्केट अगर हम देखेंगे डीएक्सएल का, ये ब्लू कलर लाइन 2011 में था और येलो कलर लाइन 2021 में, 10 साल में कहां से कहां बढ़ा, पेरू कहां था, अभी कहां है नंबर ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 30-40 गुना बढ़ गया है। थैंक यू, बिकॉज दोनों से बहुत ट्रैवलिंग था मुझे। और ये मेक्सिको और इंडिया कहां है? अभी आगे जाएगा और आगे जाएगा। क्या का सेल ये ग्राफ को तोड़ देगा सर। जब 2015 में शुरू हुआ था डीएक्सएल, मुझे याद है पहले महीने का सेल अराउंड 6 करोड़ 70 लाख, बट आज वी आर क्रॉसिंग मोर देन 35 करोड़। दैट मीन्स 500% का ग्रोथ है इन द स्पैन ऑफ 8 years वर्किंग फॉर डीएक्सएल इंडिया। Then you see the power of the company. DXN revenue, DXN का जो revenue है, जो DXN revenue करता है, DXN has seen दो बड़ा crisis देखा था दुनिया में। एक हुआ financial crisis 2008 में, और एक crisis हुआ 2020-21 में, ये pandemic का। Okay? ये जो लाइन आप देखते हो, दिस इज द कंपनी का रेवेन्यू है, और ये ब्लू कलर लाइन आप देखते हो, ये कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, यू हैव सी, ये पैंडेमिक का बाद असली ग्रोथ शुरू हुआ डीएक्सएल का। जितना सेल्स डीएक्सएल का था पैंडेमिक का बाद, सिर्फ 3 साल में सारी रिकॉर्ड को डीएक्सएल तोड़ दिया। It has been the best year for DXN after pandemic. जो pandemic में लोग lay off करते हैं, जो pandemic में लोग company बंद करते हैं, but pandemic में ही doctor Siddipet factory खरीदा। Pandemic time में ही IPO का काम शुरू हुआ। लोग बोलते थे सर ये सही time नहीं है, आईपीओ अब नहीं जाने का, बिकॉज मार्केट का अभी